डोंगरगढ़ की माँ बम्बलेश्वरी देवी का मंदिर राजनांदगांव जिले में आता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। पहाड़ों से घिरे होने के कारण इसे पहले डोंगरी तो अब डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। डोंगरगढ़ की देवी माँ बम्बलेश्वरी का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन लगभग 2000 साल पहले माधवानल और कामकंदला की प्रेम कहानी से जुड़ा है। राजा वीरसेन के पुत्र मदन सेन और मदन सेन के पुत्र कामसेन, कामसेन के राज में कामाख्या नगरी में कामकंदला नामक एक राज नर्तकी थी। एक बार राजा कामसेन के दरबार में कामकंदला का नृत्य हो रहा था। उस समय माधवानल कामसेन राजा के दरबार के पास से जा रहा था। तब दरबार के अंदर से संगीत की आवाज सुनकर माधवानल रुक गया। संगीत में रुचि के कारण माधवानल की इच्छा दरबार में जाने की हुई, लेकिन माधवानल को द्वारपालों ने अंदर जाने से रोक दिया। फिर माधवानल बाहर बैठकर ही तबला और घुंघरू की आवाज का आनंद ले रहा था। माधवानल संगीत का बड़ा ज्ञानी था, तो माधवानल को लगा कि तबला बजाने वाले का अंगूठा नकली है और नर्तकी के पैरों में बंधे एक घुंघरू में कंकड़ नहीं है। मैं व्यर्थ ही चला आया, यहां कोई संगीतज्ञ नहीं है जो ताल को पहचान सके। द्वारपाल ने अपने राजा को तुरंत जाकर सारी बात बताई। तब राजा ने माधवानल को अंदर आने की अनुमति दी। दरबार में राजा ने आदर भाव से उन्हें संगीत का मौका दिया। उसके संगीत में कामकंदला नृत्य करने लगी। राजा कामसेन के पुत्र मदनादित्य और माधवानल कामकंदला की कला को देखकर मन ही मन कामकंदला को चाहने लगे। राजा ने माधवानल को प्रसन्न होकर हार भेंट किया। वही हार माधवानल ने प्रेमिका राज नर्तकी कामकंदला के गले में पहना दिया। इस बात से राजा क्रोधित हुआ और राजा ने उसे राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया। इस घटना के बाद माधवानल राज्य से बाहर न जाकर डोंगरगढ़ की पहाड़ियों में छुप गया। कामकंदला छुपकर माधवानल से मिलने जाने लगी। दूसरी ओर राजा कामसेन का पुत्र मदनादित्य ये भी कामकंदला को पाना चाहता था। मदनादित्य के डर से कामकंदला उससे प्रेम का नाटक कर रही थी। मदनादित्य को शक होने पर कामकंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया और माधवानल को पकड़ने सैनिकों को पहाड़ी पर भेजा गया। सैनिकों को आते देखकर माधवानल पहाड़ियों को छोड़कर उज्जैन भाग गया और उज्जैन का राजा विक्रमादित्य को सारी बात बताकर उससे न्याय दिलाने को कहा। राजा विक्रमादित्य दयावान राजा थे। राजा ने कामाख्या नगरी पर आक्रमण किया और माधवानल को न्याय दिलाने का निर्णय लिया। फिर दोनों राजाओं के बीच युद्ध हुआ और माधवानल ने राजा मदनादित्य को मार गिराया। फिर राजा विक्रमादित्य ने माधवानल और कामकंदला की परीक्षा लेने के लिए नगर में अफवाह फैला दी कि युद्ध में माधवानल की मृत्यु हो गई। ये बात सुनकर कामकंदला ने तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से दुखी होकर माधवानल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस पर राजा विक्रमादित्य ने मां बम्बलेश्वरी बगलामुखी देवी की आराधना कर स्वयं प्राण त्यागने का निश्चय किया। तब देवी ने प्रकट होकर राजा को रोका। राजा ने कामकंदला और माधवानल को जीवन देने की इच्छा जाहिर की और मां ने इस इच्छा के बदले जागृत रूप में डोंगरगढ़ में विराजमान रहने का वरदान दिया।